हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है क्लाउड बेस्ड सिस्टम। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम हम किसे कहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफी पसंद आएगा। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 119 रुपए जो है पेमेंट करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जिस तरीके से आप ट्यूशन पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप ट्यूशन की तरह पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। उसके बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इग्नू बीकॉम में जाना है। यहाँ पे आपको ये ज्वाइन का बटन दिखेगा, जिसको क्लिक करके आप इस तरीके से हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। इसके फायदे हैं कि आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी, आपको नोट्स 40% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आप हमसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए अगर आप हमसे बात करते हैं तो वो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आपको ऑन डिमांड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको अगर लगता है कि कोई लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर भी क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ आप जब भी स्टडी करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू स्टडी करें। हमारे कंप्यूटर हमारे वेबसाइट पर आने के बाद, हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे इग्नू एमकॉम, इग्नू बीकॉम न्यू, बीकॉम न्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसके अंदर ढेर सारी वीडियोज हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द गूगल बेस्ड क्लाउड बेस्ड सिस्टम। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्लाउड बेस्ड है, यहाँ पे सिर्फ चीजें जो है वो क्लाउड में स्टोर हो रही है। मतलब ऐसी जगह स्टोर हो रही है जो कि आपको दिख नहीं रहा है पर स्टोर हो रही है। कैसे स्टोर हो रही है मैं आपको बताता हूँ। सो क्लाउड बेस्ड सिस्टम इज अ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट एट लोअर कॉस्ट। तो क्लाउड बेस्ड जो सिस्टम होता है वो एक टेक्नोलॉजी होता है जिसमें आप कंप्यूटर सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, जहाँ पे आपको कॉस्ट जो है बहुत ही कम पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपको डेटा स्टोर करके रखना है तो आप कंप्यूटर खरीदोगे ना, पहले कंप्यूटर में आप डेटा का जो है जगह आप बनाओगे। कंप्यूटर जब खरीदोगे तो आपको मिलेगा उसमें, पर उसके लिए आपको पैसे पे करने होते हैं कंप्यूटर में, है ना, स्टोर करने के लिए। बट क्लाउड बेस्ड सिस्टम में ऐसा नहीं होता, आप यहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में एक तरीके से अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, डेटा को मैनेज कर सकते हो, उसका नेटवर्किंग, उसका इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जो भी कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे कि सर्वर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल ओवर द इंटरनेट कर सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ क्लाउड बेस्ड सिस्टम, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा रादर देन अ लोकल सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि आप अपने डेटा को क्लाउड में स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कंप्यूटर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई पर्सनल कंप्यूटर इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई नेटवर्क इन्वॉल्व नहीं है। नेटवर्क है बट एक रिमोट सर्वर है, जिसका सर्वर के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, बस अपनी चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। अगर मैं एग्जाम्पल दू तो गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना होगा, या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव जो होता है ना, उसका आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे आप डेटा को 5 GB तक डेटा जो है आप स्टोर करके रख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपए भी नहीं देने होंगे। उससे ज्यादा अगर आप लेते हो तो आपको थोड़े बहुत पैसे जो है पेमेंट करने होते हैं। लेकिन आप डेटा को ऐसे जगह पे रिमोटली आप इतना स्टोर करके रख सकते हो जो कि सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो और कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस द डेटा, ठीक है, रादर देन आपकी इसको किसी लोकल सर्वर पे रखो या फिर अपने आप अपने कंप्यूटर पे रखो। यहाँ पे आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इंटरनेट पे रख सकते हो। कंप्यूटर्स ऑफरिंग दीज कंप्यूटिंग सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड टिपिकली चार्ज फॉर अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन यूसेज, है ना। तो कंपनीज जो होती हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करती हैं और समटाइम्स ये कुछ चार्ज भी आपके ऊपर करती हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 GB तक फ्री है, 5 GB से ज्यादा अगर आप डेटा का स्टोर करते हो तो आपको जो है चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, राइट। So with the help of the cloud-based system, persons access services on demand and only pay for the services that one is using, है ना? तो जो क्लाउड सिस्टम है वो एक तरीके से आप ऑन डिमांड आप इस्तेमाल कर सकते हो और आपको तभी पे करने होते हैं जब आप उस सर्विसेज का इस्तेमाल आप करोगे, अदरवाइज आपको पैसे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज देन सर्वर बेस्ड सिस्टम। अब ये जो है आपको रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करता है जो कि सर्वर बेस्ड होता है, राइट। तो ये बहुत ही लो कॉस्ट भी होता है इसी कारण से।
सो ड्यू टू लो कॉस्ट सेल्फ सर्विस ग्रेटर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इज वेरी पॉपुलर। तो लोग इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है लो कॉस्ट है, सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे चीजें आपको खुद से करनी है, यहाँ पे आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है आपके काम को करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेटर सिक्योरिटी रहती है, कोई आपके डेटा को एक तरीके से इजिली चोरी नहीं कर सकता, आपका कंट्रोल आपके पास है, राइट। और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जिसके कारण से लोग क्लाउड बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इतना पॉपुलर हो पा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्लाउड बेस्ड सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे क्या क्या होता है और मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।